गाइस हमारे व्लॉग की शुरुआत होती है आज यहाँ से। हम लोग ने सोचा चलो चलते हैं गढ़ गणेश जी के मंदिर। तो हम लोग पहले पहुँचे जवाहर नगर, उधर से हमने हमारे भैया को पिक किया। फिर हम लोग वेट कर रहे थे कि यहाँ पे ट्रैफिक कम हो ताकि हम क्रॉस कर सके। ये रास्ता जयपुर के लोग जानते होंगे, राइट में जाता है पिंक स्क्वायर मॉल और सीधा हम लोग ने सोचा चलो ट्रैफिक बंद होते ही निकलते हैं। बट हमारी जुपिटर ने हमें यहाँ धोखा दे दिया, चालू ही नहीं अपना। तो जैसे ही चालू ही हम लोगों ने जैसे तैसे क्रॉस किया ट्रैफिक के बीच में। फिर हम लोगों ने यहाँ से सीधा हम लोग चलते रहे, पहले सिटी पहुँचे सांगानेरी गेट यहाँ से। तो आइए सांगानेरी गेट तक का सफ़र देखते हैं। जैसे ही हम लोग सांगानेरी गेट पहुँचे तो यहाँ हमारे दोस्त का फिर फ़ोन आता है। बात होने के बाद पता लगता है कि वो बड़ी चौपड़ पे खड़ा है। हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, बट राइट में जो अंकल थे उन्होंने हमें बताया कि बड़ी चौपड़ इधर से अंदर जाके आपको सीधा मिल जाएगी, हवा महल सीधा यहाँ ही से जाएगी। तो फिर जैसे ही ट्रैफिक खुला हम लोग बड़ी चौपड़ के लिए यहाँ से निकल गए, क्योंकि हमारा दोस्त जो था वो हवा महल के आगे ही खड़ा था थोड़ी देर बाद। तो आइए बड़ी चौपड़ तक का रास्ता देखते हैं। फाइनली इतने बड़े जाम के बाद हम लोगों को थोड़ा सांस लेने का मौका मिला। उसी टाइम हमारे जो है दोस्त का फ़ोन भी आ गया था कि तुम लोग कहाँ रह गए। तो हमने बताया भाई बहुत बड़ा जाम लगा हुआ था। तो आप देख सकते हैं सामने जो आपको बड़ी चौपड़ है इसको, ये सांगानेरी गेट के अंदर से आती है और इसी के आगे जो है हवा महल आता है लेफ्ट हैंड साइड पर। लेफ्ट हैंड साइड दूसरे मार्केट में चला जाता है रास्ता। तो यहाँ से हम सीधा सीधा चलते रहे। यहाँ का ट्रैफिक मैनेजमेंट फिर भी पहले वाले से बहुत बेटर है। चलिए आगे आपको हवा महल तक का रास्ता दिखाते हैं। लेफ्ट साइड में जो आप देख रहे हैं ये हवा महल है जयपुर का। यहाँ पे बहुत सारे जो टूरिस्ट हैं वो विज़िट करते हैं और इसके जस्ट अपोजिट एक कैफ़े है जहाँ से बहुत अच्छी फ़ोटो आती है। काफ़ी लोग अपने इंस्टाग्राम पे इसको अपलोड भी करते हैं। आप चाहें तो वहाँ विज़िट ज़रूर करिए, बहुत अच्छा है वहाँ से व्यूज हवा महल का। लेफ्ट साइड काफ़ी सारे कपड़ों का बाज़ार और जूतों का बाज़ार है यहाँ पर। फिर जैसे ही थोड़ा हम आगे चले तो हमारे दोस्त की शक्ल मिल जाती है। इसको काफ़ी देर हमने वेट कराया बट फाइनली हमको ये मिल गया। बस हम फिर उसके, वो हमें फ़ोन दे देता है, हम उसके फ़ोन में हमारी गूगल मैप्स की लोकेशन डाल लेते हैं क्योंकि रास्ता हमको यहाँ से प्रॉपर पता नहीं था। बट फिर हमारा दोस्त रिकमेंड करता है कि फ़ोन में लोकेशन डाल के अपन गढ़ गणेश गूगल मैप्स के थ्रू देखते हैं अगर रास्ता अपने को सही मिलता है। तो उसने लोकेशन डाल दी थी और मैंने जो है गूगल मैप से लोकेशन जो है वो स्टार्ट कर दी थी। भैया आगे ड्राइव कर रहे थे और वो हमारे पीछे पीछे चल रहा था। तो आइए अब यहाँ से देखते हैं गढ़ गणेश जी का सफ़र। गूगल मैप्स के हिसाब से हमें इसके अंदर एंटर होना था बट इधर जो है रोड का काम चल रहा था। तो फिर हम लोग कंफ्यूज हुए कि अब क्या करें। तो फिर हमें ध्यान आया कि आगे से भी एक रास्ता जाता है, गूगल मैप्स अलग ही रास्ते से ले जा रहा था बट हमें एक और रास्ता पता था जो इधर ही गली के अंदर से ले जा के जा सकता है। तो आइए देखते हैं आप लोग के लिए एक नया रास्ता, एक नई मंजिल के लिए।
इतने लंबे जाम के बाद हम गड़गाने जी से सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर थे, और बस यही जो रास्ता है यही सीधा गड़गाने जी के उधर पहले पार्किंग तक लेके जाता है, फिर उधर से हम सीढ़िया चढ़ के ऊपर जाना चालू करते हैं। एक चीज़ बोलना चाहूँगा, आप सब अगर जाएँ तो ज़रूर स्कूटी से जाएँ, कार अवॉइड करें, बिकॉज कार से आएंगे तो आप बहुत गंदे ट्रैफिक में फंस सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, आपकी गाड़ी भी डैमेज हो सकती है रास्ते में, क्योंकि ट्रैफिक जो है इधर बहुत बेकार हो जाता है, गलियाँ छोटी छोटी रहती है। हम लोग स्कूटी से गए, हमको ही पहुँचने में कम से कम आधा घंटा से 45 मिनट लग गया था। बाकी अब आगे तक का सफ़र आप देखिए, कंटिन्यू रहें। अभी हम गढ़गने तो पहुंच गए हैं, देखते हैं पार्किंग मिल जाए। पता ही नहीं कहां पे लगा दी इन लोगों ने। चलो गणेश जी का नाम लिखता हूँ, रुक जा, तीनों साथ में चढ़ाई करते हैं ना, गणपति बप्पा मोरिया। अलावा कभी और आके देखेंगे कैसा है ये। अरे भाई साहब, अब भीड़ मेरे को दिख रही है, नीचे से ही दिख रही थी भाई, नहीं अब मुझे ज्यादा दिख रही है, नहीं पहले इतनी नहीं थी, अब ज्यादा हो गई, अब बहुत ज्यादा दिख रही है, अभी तो खुद एक भीड़ है। तो कैसा लग रहा है ऊपर आके? बहुत बढ़िया, अभी ऊपर आए कहाँ हैं, वो ऊपर जाना है, अभी तो 10% ही आया। मेरे में तो हालत नहीं है, थक गया मैं तो। अरे यार वो रास्ता ज़्यादा थी, उसमें सीढ़ियाँ दो थी। लेकिन वो देख वो वहाँ से जा रहा है, वो वहाँ से और ये ऊपर जा रहा सीधा ही, ये अपने और इसमें कितना सा डिस्टेंस है? मैं तो बोल रहा हूँ नीचे चल के वहाँ से ऊपर चढ़ते। नहीं अभी छोड़ दो। वो अपन क्या वो चार है ना, वो नहीं लेकर आए पाइप की, हाँ दोनों के कंधों पे बैठ के मैं फिर ऊपर जाऊँ। जिस हिसाब से आप बोल रहे हो मैं वैसे ही जाने लायक बचूंगा। उसको मन था वहाँ से जाने, हाँ तेरा मन जरूर है, तू चले जा। चल चालू कर रहे चढ़ाई। फाइनली ऊपर पहुंचने के बाद हमें पता लगा कि भीड़ इतनी ज़्यादा है कि हमें कम से कम 1 घंटा लाइन में लग गया उनके अंदर, मंदिर के अंदर पहुंचने में। आप जब भी जाएं वेनसडे को तो सुबह पहले जाएं या शाम को एकदम रात के टाइम जाएं, ध्यान रखें कि अंदर कैमरा और फोन्स अलाउड नहीं है रिकॉर्डिंग करने के लिए, इसलिए मैं अंदर फ़ोटो वोटो कुछ भी नहीं खींच पाया। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं मंदिर के ऊपर का है। ऐसे ही ट्यून अप रहे मेरे यूट्यूब चैनल के साथ, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, एंड मैं आपके लिए बहुत सारे व्लॉग ऐसे ही लाता रहूँगा।